नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब सेफ एंड हेल्दी होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी व्हाट माय 16 मंथ ओल्ड बेबी ईट्स इन अ डे। तो जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि हमारा एक बेबी बॉय है और वो 16 मंथ का है। उसका नाम कृषव है। तो कृषव का फर्स्ट मील मॉर्निंग में मिल्क होता है। वो लगभग 8 से 8:30 बजे के बीच में उठ जाता है और जैसे ही वो उठता है उसे हम मिल्क ऑफर करते हैं। मिल्क पीने से बच्चों को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है क्योंकि इस एज में बच्चे काफ़ी एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं। अराउंड 9:30 to 10 o'clock कृषव का ब्रेकफास्ट टाइम होता है और आज हम कृषव को ब्रेकफास्ट में दे रहे हैं मूंग दाल का चीला। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मूंग दाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। ये ना सिर्फ बेबीज़ के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी एक हेल्दी फूड है। वैसे तो बहुत सारी दालें हैं लेकिन मूंग दाल को सबसे ज़्यादा हेल्दी माना जाता है सारी दालों में, और ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाती है और बेबी के लिए इजी डाइजेस्ट करने वाला फूड माना जाता है। ये एक हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है और वेजिटेरियंस के लिए तो ये एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अराउंड 10:30 to 11 o'clock कृषव नहा लेता है और नहाकर रेडी हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि वो रेडी होकर पूजा कर रहा है। आजकल कृषव ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि कहाँ पर मंदिर है और कहाँ मुझे जय करना है। जैसे ही उसे कोई मंदिर दिखता है वो जय ज़रूर करता है। और इस रूटीन के बाद कृषव को हम मिड मॉर्निंग स्नैक्स देते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में हम उसे कोई भी सीजनल फ्रूट दे देते हैं। तो आज कृषव को मैं दे रही हूँ पपाया, और पपाया खाना उसे बहुत पसंद है। पपाया में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती हैं, और पपाया खाने से बच्चों को कोई डाइजेस्टिव इश्यूज भी नहीं होते हैं। बच्चों को पपाया स्मॉल स्मॉल पीसेस में ही दें, नहीं तो ये उनके गले में अटक सकता है। आप पपाया की प्यूरी भी बनाकर अपने बच्चे को दे सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों को कभी भी कच्चा पपाया नहीं देना चाहिए, इससे उन्हें एलर्जी हो सकती है। हमेशा पका हुआ ही पपाया दें। और मिड मॉर्निंग स्नैक्स के बाद कृषव सो जाता है। आफ्टरनून में लगभग वो 2 से 2.5 घंटे तक सोता है। और अराउंड 2 to 2:30 कृषव का लंच टाइम होता है, और आज लंच में मैं बना रही हूँ वेजिटेबल खिचड़ी। और इसे बनाने के लिए मैंने लिया है कुछ वेजिटेबल, दाल और राइस। तो चलिए फटाफट से इसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर को हीट कर लिया है और उसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल, आप घी भी डाल सकते हैं। और जैसे ही ऑयल हीट हो गया है इसमें मैंने डाला है जीरा और गार्लिक और अच्छे से इनको भूंज लिया है। और इसके बाद मैंने डाला है कुछ वेजिटेबल। वेजिटेबल में मैंने बीन्स और कैरेट लिया है, आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। और इसे मैंने अच्छे से भून लिया है। वेजिटेबल्स को मैंने 2 से 3 मिनट तक भूना है ताकि उसका कच्चापन चला जाए। और उसके बाद मैंने डाला है राइस और उसे भी मिक्स कर लिया है सारे वेजिटेबल के साथ। और फिर डाला है दाल, उसे भी हम मिक्स करेंगे सारे वेजिटेबल्स के साथ। और जैसे ही ये मिक्स हो जाए मैंने इसमें डाला है 1 पिंच हल्दी और डाला है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और एक बार फिर इन सबको मैं मिक्स करूँगी और इसमें डालूँगी पानी। पानी का मेज़रमेंट थोड़ा ठीक होना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसे पतला या गाढ़ा बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 1/2 कप पानी ऐड किया है इसमें। और इन सबको एक बार फिर से मिक्स करके मैं कुकर का ढक्कन बंद कर रही हूँ और इसे 2 विसल तक पका लूँगी मीडियम फ्लेम पर। और अब हमारी खिचड़ी बनकर रेडी है। मैं इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे मैश करूँगी और फिर कृषव को खिलाऊँगी। आजकल कृषव इतनी आसानी से खाना नहीं खाता, उसको कुछ भी खिलाना बहुत चैलेंजिंग हो गया है। आप देख सकते हैं कि वो कितना ड्रामा करता है कुछ भी खाने में। वेजिटेबल खिचड़ी एक कम्प्लीट एंड हेल्दी फूड है जो बच्चों को एनर्जी देता है। इसमें हाई अमाउंट में प्रोटीन एंड विटामिन होता है जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है। और अराउंड 4:30 to 5 o'clock कृषव का इवनिंग स्नैक्स का टाइम होता है, और आज इवनिंग स्नैक्स में मैं बना रही हूँ मखाने की खीर। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1/2 कप मखाने को घी में अच्छे से रोस्ट कर लिया है, आप इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। फिर मैंने रोस्ट किए हुए मखाने को एक प्लेट में अलग रख दिया है, उसे थोड़ी देर ठंडा करेंगे हम। और ठंडा होने के बाद मैंने इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है। फिर एक पैन में मैंने मिल्क को बॉयल होने के लिए रख दिया है, और जैसे ही मिल्क बॉयल हो गया है मैंने इसमें मखाने के पाउडर को डाला है
और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि इसमें कोई लंप ना हो, और इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे पका लिया है। और बीच बीच में आप इसे चलाते रहें, नहीं तो ये पैन में चिपक सकता है। और अब इसमें मैंने ऐड किया है ड्राई फ्रूट पाउडर, इसकी भी रेसिपी आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। और इसमें मैंने एक सीडलेस डेट डाला है और इन सबको अच्छे से मिला लिया है। फिर मैंने इसमें ऐड किया है इलायची पाउडर और जागरी पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिक्स करके मैंने लगभग 1 मिनट इसे और पका लिया है। तो अब हमारी मखाना खीर बनकर रेडी है, चलिए इसे कृषिव को खिलाते हैं। मखाने को लोटस सीड भी बोला जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बच्चों को लंबे समय के लिए एनर्जी देता है। इस एज में बच्चे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और खेल कूद कर थक जाते हैं, इसलिए उन्हें इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आप अपने बच्चों की डाइट में मखाना ज़रूर इंक्लूड करें। अराउंड 6:30 मैं कृषिव को कोई भी एक फ्रूट देती हूँ। आज मैं उसे एप्पल दे रही हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी डाइट में डेली एप्पल इंक्लूड करूँ। कभी मैं कृषिव को एप्पल प्यूरी दे देती हूँ, कभी उसे एप्पल शेक बनाकर देती हूँ, या फिर कोशिश करती हूँ कि उसकी कोई भी मील में एप्पल ज़रूर मिक्स करूँ। ऐसे मैं किसी न किसी तरह से उसको डेली एक एप्पल ज़रूर देती हूँ। और अराउंड 8:30 to 9 o'clock कृषिव का डिनर टाइम होता है, और आज डिनर में मैं बना रही हूँ वेजिटेबल उपमा। तो चलिए फटाफट से इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी को हीट कर लिया है, और अब मैं 1 by 1 सारे इंग्रेडिएंट को ऐड करूंगी। सबसे पहले मैं लगाऊंगी तड़का, और तड़का लगाने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ सरसों, करी लीव्स और हींग। और मैंने कुछ सेकेंड्स के लिए इन सबको भून लिया है, और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चॉप्ड अनियन, और इसे तब तक भूनूंगी जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। जैसे ही ऑनियन का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, गोल्डन ब्राउन हो जाता है, मैं इसमें ऐड करूंगी चॉप वेजिटेबल्स, और चॉप वेजिटेबल्स में मैंने ऐड किया है कैरेट एंड बीन्स। और इन सारी वेजिटेबल को मैंने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करके भून लिया है। आप इस रेसिपी में कोई भी वेजिटेबल ऐड करके इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो भी वेजिटेबल आपके बेबी को पसंद हो या आपको पसंद हो, आप इस रेसिपी में ऐड करके अपने बेबी को खिला सकते हैं। आप इसमें जैसे पालक ऐड कर सकते हैं, मेथी ऐड कर सकते हैं, कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल आप इसमें ऐड करके इसे और हेल्दी बना सकते हैं और अपने बेबी को दे सकते हैं। और अब मैंने इसमें ऐड किया है ग्रेटेड पनीर, और इसे भी अच्छे से वेजिटेबल के साथ मिक्स करके 102 मिनट तक भून लिया है। और जैसे ही सारी वेजिटेबल हाफ कुक हो जाए, इसमें मैंने ऐड किया है रोस्टेड सूजी, और उसे भी अच्छे से सारी वेजिटेबल के साथ मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक भून लिया है। और यहाँ पे मैं आप सबके साथ एक टिप शेयर करना चाहूँगी। जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं सूजी को घी में रोस्ट करके एक एयर टाइट कंटेनर में रख लेती हूँ, और जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है मैं इसे यूज़ करती हूँ, और इससे मेरा थोड़ा समय भी बच जाता है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी, और पानी का जो मेज़रमेंट होता है वो उपमा बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप जितना भी सूजी ले रहे हैं उसका 3 गुना पानी लें, और अगर पानी का मेज़रमेंट ठीक होगा तो उपमा की कंसिस्टेंसी भी ठीक बनेगी। और पानी डालने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसे हाई फ्लेम में बॉयल आने तक मैं इसे चलाते हुए पकाऊंगी। इसे हाई फ्लेम में हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसमें अच्छे से बॉयल ना आ जाए, और जैसे ही इसमें बॉयल आने लगता है हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है, और उपमा को अच्छे से चलाते हुए 3 से 4 मिनट और पका लें। इसे कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि इसमें कोई लंप ना आए। और ऐसे ही धीरे धीरे चलाते हुए इसे 5 मिनट तक पका लें।
जैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सॉलिड हो जाए और साइड में हमें घी दिखने लगे तो समझ जाइए हमारा उपमा रेडी है। तो अब हमारा यम्मी एंड डिलीशियस उपमा बनके रेडी है। तो चलिए अब उपमा कृष्ण को खिलाते हैं और देखते हैं उसे पसंद आता है या नहीं। उपमा एक बहुत ही लाइट फूड है और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि कृष्ण को रात के डिनर में कुछ हल्का ही खिलाऊँ ताकि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और अराउंड 10 o'clock कृष्ण का स्लीपिंग टाइम होता है। आजकल उसके स्लीपिंग पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया है, वो आजकल थोड़ा लेट सोता है। और सोने से पहले मैं उसे ब्रेस्ट फीड कराती हूँ या तो फिर उसे काऊ मिल्क देती हूँ ताकि उसको अच्छे से नींद आ जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी। टिल देन बाय बाय।